नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज हम देखने वाले हैं डायनेमिक सर्च और सुत्ती क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान कौन से हैं और आपको कौन से सिनेरियो में इसे यूज करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है डायनेमिक सर्च एड्स का कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी साइट है जहाँ पे 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख पेजेस है, 10,000, 20,000 या 50,000 पेजेस है, तो जहाँ पे पेजेस बहुत सारे हैं आपके साइट में और आप हर एक पेजेस को टारगेट करना चाहते हैं, तो इस सिनेरियो में आप बेसिक कैंपेन्स क्रिएट नहीं कर सकते, एड ग्रुप बना नहीं सकते। आप कितने पेजेस के लिए एड ग्रुप बनाएंगे, कितने लैंडिंग पेजेस के लिए आप कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इस सिनेरियो में डायनेमिक सर्चेस आपका काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रियल एस्टेट का पोर्टल है जिसके अंदर 1 लाख 2 लाख पेजेस है, आपके पास कोई क्लासिफाइड की साइट है जिसके अंदर 1 लाख से 2 लाख पेजेस है या 50,000 पेजेस है, तो इस सिनेरियो में आपके पास कोई ई-कॉमर्स साइट है जहां पे 2 लाख 3 लाख पेजेस है, तो इस सिनेरियो में आप कैसे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपका गोल है कि आपको हर एक पेज के लिए एड क्रिएट करनी है, तो उस सिनेरियो में डायनेमिक सर्चेस आपके लिए काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ई-कॉमर्स पोर्टल है लेकिन आप सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शन के लिए एड्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेसिक जो कैंपेन होता है सर्च कैंपेन या वीडियो कैंपेन या डिस्प्ले कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आपका गोल है पर मुझे 2 या 3 लाख हर एक पेजेस के लिए मुझे एड्स क्रिएट करनी है और मुझे ट्रैफिक चाहिए हर पेज के लिए, तो उस सिनेरियो में डायनेमिक सर्चेस हमारे काम में आती है। सो डायनेमिक सर्चेस के कुछ बेनिफिट्स हम बेनिफिट देखने वाले हैं। सो पहला बेनिफिट है कि आपका जो टाइम होता है कैंपेन क्रिएट करने में वो सेव होता है। फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख पेजेस के लिए या 1 लाख पेजेस के लिए आपको अलग से हर कैंपेन क्रिएट नहीं करना पड़ता, डायनेमिक सर्च एड्स के अंदर आप इजीली अलग अलग कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें आपको हेडलाइन जो होती है वो आपको लिखनी नहीं पड़ती, यूआरएल आपको लिखनी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ आपकी जो एड होती है उसमें आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन की 2 लाइन लिखनी पड़ती है, 2 डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ते, उसके अलावा आपको किसी भी तरह की एड आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती। जो एड का जो हेडलाइन होती है, जो यूआरएल होती है, गूगल खुद ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है बेस्ड ऑन आपकी यूजर क्वेरी। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मेरी वेबसाइट में 2 लाख पेजेस है और मेरी वेबसाइट क्लासिफाइड के साइट में साइट के लिए मैं एड्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो अगर ऐसा कोई बंदा सर्च करता है कि कार्स अंडर 20 लाख रुपीज और इस तरह की लिस्टिंग अगर मेरे वेबसाइट में है, मेरे क्लासिफाइड साइट में है, तो डायरेक्ट वही पेज वहां पे गूगल एड्स अंदर शोकेस होगा, आपको उसमें मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कब काम करता है, इसके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपका वेबसाइट का एसईओ अच्छा होना चाहिए, जो वेबसाइट का जो इंडेक्स होता है गूगल इंडेक्स वो अच्छी होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है कि जो कोई अगर स्पेसिफिक टर्म सर्च करता है तो उसी का पेज गूगल को शोकेस होना चाहिए। सो मेक श्योर कीजिए आपके अगर वेबसाइट 2 लाख पेजेस है, 1 लाख पेजेस है, तो आपके वेबसाइट का हर एक पेज गूगल में इंडेक्स है, गूगल सर्च कंसोल में शोकेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मे बी आपको बेनिफिशियल है। अगर गूगल सर्च इंडेक्स में आपके पेजेस सभी इंडेक्स नहीं हुए हैं तो डायनेमिक सर्चेस का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अगर आपको डायनेमिक सर्चेस रन करनी है तो आपको उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके वेबसाइट के जितने भी पेजेस है 1 लाख 2 लाख सभी के सभी पेजेस आपके गूगल के इंडेक्स में ऑलरेडी है, तभी गूगल जाके आपके एड्स शोकेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सर्च करता है स्पेसिफिक टर्म के लिए तो गूगल क्या करता है, उस टर्म को उनसे डेटाबेस में सर्च करता है और उसे जो रिलेवेंट पेज मिलता है वहां पे एड्स के अंदर शोकेस करता है। ये डायनेमिक सर्चेस इस तरह से काम करती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, अगर आपका इंडेक्स सही नहीं है, आपकी वेबसाइट न्यू है या 2-3 लाख पेजेस है लेकिन आपके सभी के सभी गूगल में इंडेक्स नहीं है, तो आप जो पेज की जो फीड होती है, फॉर एग्जांपल आप प्री डिफाइन एक लिस्ट पेजेस की लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट हम गूगल कैंपेन में अपलोड कर सकते हैं और हम उन्हीं पेजेस को टारगेट कर सकते हैं। सो ये सब हम कैसे करने वाले हैं ये हम आज देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पे जाके हम देखते हैं कि हम डायनेमिक सर्च एड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, हम इंडेक्स को लेकर किस तरह से कैंपेन क्रिएट करेंगे और डेटा फीड को लेकर हम कैंपेन किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एड्स में लॉग इन करना है। गूगल एड्स में लॉग इन करने के बाद में हम ऑल कैंपेन्स में जाएंगे, कैंपेन्स पर क्लिक करेंगे और हम एक न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे सर्च कैंपेन। तो न्यू कैंपेन में क्लिक करने के बाद में हमें हमारा टारगेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हम लीड्स के लिए कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे गोल सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में हम सर्च सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बेस पे मुझे यहाँ पे वेबसाइट विजिट्स के लिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ, तो उसके बेस मैंने गोल सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपका गोल अलग है तो वो अलग गोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट एंटर करनी है, तो मैं डेमो के लिए यहाँ पे डिजिटल रिक्शा की जो वेबसाइट है उसके ओर मैं एंटर कर रहा हूँ। आपको अपने क्लाइंट की वेबसाइट एंटर करनी है जिसके लिए कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है, हम कैंपेन का नाम रखना क्या चाहते हैं, तो मैं पे किसे नाम देता हूँ डायनेमिक एड्स। अब हम नेटवर्क में अगर देखते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन सिलेक्ट है ऑलरेडी, नेटवर्क सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो हम अभी सर्च नेटवर्क के लिए एड क्रिएट करना चाहते हैं, हम डिस्प्ले नेटवर्क के लिए एड क्रिएट करना नहीं चाहते, तो इसलिए हम एक ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर हमें करना क्या है, सी मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। तो उसमें से हम एक ऑप्शन जो डायनेमिक सर्च सेटिंग का जो ऑप्शन है इसमें आपको आपका
सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको आपकी यूआरएल एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल रिक्शा की यूआरएल एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, यूज गूगल्स इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट, यूज यूआरएल फ्रॉम माय पेज फीड ओनली और यूज बोथ। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके वेबसाइट में 20,000 पेजेस है और आपके 20 के 20,000 पेजेस गूगल के अंदर इंडेक्स है तो आप वो इंडेक्स को यूज करके एड्स क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक सर्च कैंपेन बना सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी इंडेक्स इतनी सही नहीं है और आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक आप खुद पेजेस की लिस्ट अपलोड करना चाहते हैं और उन्हीं पेजेस को आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें पेज फीड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी करेंटली हमने पेज फीड बनाई नहीं इसलिए हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। और थर्ड ऑप्शन है बोथ, हम पेज फीड प्लस इंडेक्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो करेंटली यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है गूगल इंडेक्स का, तो उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे बाकी रिमेनिंग सेटिंग्स है ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि लोकेशन आप क्या रखना चाहते हैं, हम लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, हम डेली बजट कितना रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स में फिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो जैसे हमने सेवन कंटिन्यू पे क्लिक किया पे हमें शोकेस एरर शोकेस पर भी जो कैंपेन का नाम है ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें इस नाम को अलग रखना पड़ेगा, तो इसे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, डायनेमिक एड्स 2 कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे आपको शोकेस क्या कर रहे हैं, हमें अभी यहाँ पे हमें एड ग्रुप क्रिएट करने हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जो भी डिजिटल रिक्शा की जो साइट है इसमें ऑलरेडी बहुत कम पेजेस है, 10 या 15 पेजेस ही है, तो उस पेज के बेस पे इसने एक कैटेगरी शोकेस कर रहा है हमें कि हमें एसईओ की कैटेगरी शोकेस कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट में पेजेस ज्यादा होगी तो आपको यहाँ पे कैटेगरी ज्यादा शोकेस होगी यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एसईओ की कैटेगरी शोकेस हो रही है, आपको चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम एसईओ कैटेगरी के लिए मैं एड्स बनाता हूँ तो मेरी एड कौन सी दिखाई देगी और मेरा लैंडिंग पेज कौन सा रहेगा। सो फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स का जो लैंडिंग पेज वहाँ पे शोकेस होने वाला है और मेरी कुछ एड इस तरह से दिखाई देगी, तो इस तरह से तो मैं भी एसईओ का जो कैंपेन उसे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एसईओ के लिए मैं एड ग्रुप मेरा ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरी शोकेस हो रही है तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप मल्टीपल एड ग्रुप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में हम सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमने एक सिंगल एसईओ के लिए एड ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे जाके क्रिएट एड्स कर दे, तो हमें यहाँ पे एड क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फाइनल यूआरएल, हेडलाइन और डिस्प्ले यूआरएल में कोई ऑप्शन ही नहीं एंटर करने का, तो ये जो तीन डिटेल्स है ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट में कोई बंदा सर्च करता है कि कार्स अंडर 20 लाख रुपीज और आपकी जो वेबसाइट है क्लासिफाइड की वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट का जो क्लासिफाइड का सेक्शन है वही पेज यहाँ पे शोकेस होगा और उसी के बेस पे यहाँ पे हेडलाइन शोकेस होगी। तो आपको यहाँ पे पेज एंटर करने की हेडलाइन एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी डायनेमिक सर्च एड का बेनिफिट यही होता है कि आपके पेजेस में आपको जितने भी पेजेस है आपको हर एक पेजेस यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, गूगल ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है जो भी पेज होता है, जो यूजर ने जो सर्च किया है उसके रिलेवेंट पेज कौन सा है तो उसके बेस पे आप पेज फेच कर लेता है, उसी के बेस पे आपकी हेडलाइन क्रिएट हो जाती है। बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो एड ग्रुप बनाया था उस एड ग्रुप के बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ के लिए एड ग्रुप बनाया था तो मैं मुझे यहाँ पे एसईओ के बेस पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने एक बेसिक डायनेमिक सर्च कैंपेन जो होता है डायनेमिक सर्च एड्स जो होती है क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं, हमने चालू कब से किया, हम टारगेट कौन से लोकेशन को कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारा डेली बजट क्या है और हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू टू कैंपेन क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमने डायनेमिक सर्च एड का जो कैंपेन था वो क्रिएट कर दिया है। हमने यहाँ पे करंटली एक ही एड ग्रुप बनाया है, एसईओ के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप एड ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसईओ की जो कैटेगरी थी हमारी उसके बेस पे हमारे एड्स यहाँ पे शोकेस होने वाली है। तो अगर हम कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट अननेसेसरी पेजेस के लिए शोकेस ना हो तो उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स हमें ऐड करना है। यहाँ पे हम बेसिक कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जैसे आप देख सकते हो नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारा अगर डिजिटल रिक्शा का एग्जांपल मैं लेता हूँ तो हमारे जो कोर्सेस होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, क्लासरूम कोर्सेस होते हैं, हम यहाँ पे किसी तरह का ऑनलाइन या फ्री कोर्सेस ऑफर नहीं करते। तो ऑनलाइन सर्च के लिए या फ्री कीवर्ड्स के लिए जितने भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जिससे आप मेक श्योर करोगे कि आपको अननेसेसरी आपके आपको क्लिक्स नहीं मिले, आपको अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं मिलेगी और आप अननेसेसरी आपका बजट स्पेंड नहीं करोगे। तो आप कीवर्ड्स में जाके आपको नेगेटिव कीवर्ड्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सेकंड आपको करना क्या है कि आपके जो सर्च टर्म्स होते हैं डेली बेसिस पे जितने आपको ब्रॉड सर्च टर्म आपको शोकेस हो रही है आपको उस पर डेली नजर रखनी है और देखना है कि आपके रिलेवेंट कितने सर्च हो रहा है, आपके अननेसेसरी कुछ यहाँ पे सर्चेस हो रहे हैं तो आपको अननेसेसरी कीवर्ड्स को आपको नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करना है। तो इस तरह से कीवर्ड्स से आपका बेनिफिट कर सकते हैं। बाद में हम जाएंगे एड्स और एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पे आपको हर एक कैंपेन में मिनिमम 3 से लेकर 5 एड्स क्रिएट करनी है। तो जैसे कि आप